तीन साल बाद भैया भी आ गए हैं और ये तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। छोटे पापा वगैरह जा रहे हैं, एक फंक्शन है गांव में, वहां पर बाय सब बोल दो इधर को, जल्दी आना। गाइस मैं बैठी हूँ टेबल फैन के सामने बिकॉज मुझे गर्मी लग रही है, मैं नहाकर आई थी ना उसके बाद से ही। अभी मम्मी, छोटे पापा, छोटी मम्मी, बुआ जी गए हैं, एक छोटा सा फंक्शन है हमारी फैमिली में ही है एक, पर दादा जी बोल सकते हैं हम उन्हें, वो 100 ईयर्स के हो गए तो उनकी फंक्शन रखा गया है तो वो सब लोग वहाँ गए हैं। मैंने की बिकॉज मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है अभी अपना, कल की तैयारियाँ करनी है, वो आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे टेबल फैन के आगे बैठी हूँ, ये देखो। हाँ इतनी राहत मिल गई ना, क्या बताऊँ। गाइज मैं दोबारा मंदिर आ गई हूँ और दादाजी तो अभी अंदर पूजा कर रहे हैं। पांच साल की रे कन्या होगी, सात साल की वर घर मांगा, नौ साल की ब्याह करवा, 11-12 साल की पुत्र खिलावा, 14 साल की बांध कवावा, 18 साल की नानी कवाव, घड़ी 8 का दिन बरता है, 16 घड़ी की रात बरता है, कर लावा तुझाना ताना, ऐसे लगा विधवा स्त्री पान चबावा। गाइस यहाँ पर बर्तन रखे जिसमें कल खाना बनेगा, ये देखो इतने बड़े बड़े डोंगे, ये देखो क्यों छेड़ रहा है इसको। और हमारी बुआ और पारुल दीदी भी आ गए हैं, इनका हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, इन लोगों का हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, इतना रुक रुक के आ रहे हैं। अभी आपको मिलवाती हूँ, आ जाओ यार, सजो मत, बाहर तो निकलो। ये छोटी मम्मी भी आ गए वेलकम पे, बुआ जयपुर से आई है बहुत दूर से। और कितने सालों बाद? 3 साल के बाद। ज्यादा पाल दीदी भी आ गई, पाल दी क्या लगे मेरे लिए, ये देख ये देख ये इसके अंदर यार मुझे लग पेस्ट्री होगी। हाँ तू भी ना, ये उठा बुआओं का मिलन। हाँ 3 साल बाद है ना, आप भी खड़े हो जा जाओ। बुआ और नहीं क्या, ननद भाभी, नंदे भाभी। तो तू क्यों भाभी ननद है, तू तो बहन है, बड़ी बोबो छोटी बोबो। मुझे टेस्ट लग रहा है, सब रेड रेड, सबके सब रेड रेड, देखो देखो आज हम सारे कितना क्यूट है। चलो चलो अंदर, छोटे पापा ने भी रेड पहना है, सब रेड इत्तेफाक से है ना। दादाजी तो बैठे हुए थे पता है आपको, जब इतने लोग मिलन मिलाप हुआ आप कहाँ से, सिर दर्द हो रही थी, अब मिल रहे पाल दी। ओ ये तो अंदर घुसा हुआ था, ये क्या कर रहा है इसको, हाँ जी इसको लड़ाई कहाँ चली गई, पाल दी निकाली उसको बाहर, इधर देख देख देख, चलो बाहर निकलो, तेरे बाहर निकलो बेटा, इसमें सारे पीसे पुसे हुए तेरे कपड़ों में, तू तो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है भाई। गाइस मैं तो इतनी थक गई हूँ ना तैयारियां करते करते, उफ मैं मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ काम बचते हैं, मेहंदी लगानी है तो वो भी, वो सब कुछ है, तो बस मैं अपना फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ।
गाइज मैं इतनी थक चुकी हूँ, मैंने स्किन केयर किया है इसलिए फेस में शाइन शाइन आ रही होगी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ। और अभी मुझे मेहंदी लगानी है, बहुत सिंपल सी लगाऊंगी, पाली लगा देगी मुझे, ये बड़ी मुश्किल से मंगाई है, गांव में नहीं मिल रही थी, लेकिन आजकल तीज वगैरह है ना उसकी वजह से मिल गई, तो बस अभी लगवाती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। बहुत वो गोल गोल वाली होती है ना, वो नॉर्मल सी लगाऊंगी। पाली जी मुझे सिंपल सी मेहंदी लगा दी हो, ठीक है, अच्छी सी सिंपल सी, ढूंढते मेरे डिज़ाइन, ठीक है। बहुत मेहनत के बाद ये गोला निकाला है हमने। पाल दीदी प्लीज़ ख़राब मत करियो यार, प्लीज़, कोई ऑप्शन भी नहीं है और मेरे पास, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है यार, ख़राब मत करियो। हम आराम से इसलिए बोल रहे हैं, सब लोग सो चुके हैं थक के, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे 9 बजे आई थिंक, नहीं 9 बजे वहाँ से चलेंगे, 11 बजे यहाँ आ जाएंगे, तो इसीलिए सबको जल्दी उठ के प्रेपरेशंस करनी है। ओ भाई हिम्मत ना तू, अच्छा अभी तक तो पालती तूने अच्छा ही बनाया, अब आगे देखते हैं। पर डिज़ाइन थोड़ा चेंज क्यों लग रहा है मुझे, पालती मुझे कहती है तेरे हाथ छोटे हैं, और एक तो तेरे को बना के भी दो, ठीक है ठीक है बना, कुछ नहीं भाई बना प्लीज़। पालती ने लगा दी है मेहंदी, पालती थैंक यू, मुझे ख़राब नहीं करी, नहीं नहीं अच्छी है, मैं तो खुश हूँ। चलो अब सेकेंड हाथ में बनाऊँगी, फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, अब मैं दूसरे हाथ में मेहंदी लगाऊँगी। पालती लगाएगी मुझे, रात के 12 बज चुके हम ये काम कर रहे हैं। गाइस मेरी मेहंदी लग चुकी है और पालती ने मेरी मेहंदी लगा दी है और प्यारी सी लग रही है, बहुत प्यारी, तो अब बस बहुत नींद आ गई, अब सोने जा रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंडी कैंडी। और मेरी मेहंदी सूख गई है, देखो अब धोऊंगी इसे, ये झड़ी नहीं, पता नहीं कैसी मेहंदी है। और यार यहाँ पर गांव में हम लोग तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई प्रोफेशनल मेहंदी वाले तो हम हायर नहीं कर पाए, प्लस कल इतने बिजी थे हम लोग, बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो रात में थोड़ा सा टाइम लगा था, तो शगुन के लिए हमने लगा दी थी, मतलब पारुल दीदी मुझे लगा दी थी, मुझे लगता क्यूट है प्यारी सी। तो आज रोके वाला दिन आ गया फाइनली, बस अब मैं तैयार होंगी क्योंकि वो लोग सुबह आ जाएंगे, मतलब सुबह नहीं, सुबह वहाँ से चलेंगे, उनको 2 आवर्स लेंगे क्योंकि वो कसौली में स्टे कर रहे हैं, तो बस अपनी मेहंदी वॉश कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। सब लोग आने वाले हैं 2 घंटे में और मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई हूँ, मैं नहाई भी नहीं हुई क्योंकि इतनी तैयारियाँ चल रही है, आपको पता ही है जब कुछ फंक्शन होता है घर में तो कितनी तैयारियाँ होती है, तो बस मैं अभी नहाने जा रही हूँ, फटाफट से अपनी ड्रेस में चेंज करूँगी, बाल भी धोने हैं और मेकअप करूँगी और मेरी मेहंदी देखो। चलो बस मैं जाती हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। गाइस मैं नहाकर आ गई हूँ और मैं आपको प्रेपरेशंस दिखाती हूँ कुछ जो नीचे चल रही है खाने की, बस मुझे अभी तैयार होना है। ये देखो यहाँ पे कद्दू कट रहा है मीठी वो बनाने के लिए चटनी, और आज का मौसम बहुत अच्छा है, थैंक गॉड भगवान ने मेरा साथ दिया है आज। गाइस शहनाई वाले भी आ गए हैं देखो, और ढोल वाले भी, मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है लेकिन इतने सुबह क्या खाऊं यार, और कुछ खा भी नहीं सकते। छोटे पापा छोटी मम्मी दोनों रेडी हो गए, वाह छोटे पापा मस्त जच रहे हो आप, बहुत अच्छे, और बुआ भी अभी तो तैयार ही नहीं फिर बुआ आप क्या कर रहे हो? अच्छा बुआ रंगोली बना रही है यहाँ पर शुभ के लिए, हल्दी शुभ होती है इसीलिए यहाँ पे स्वास्तिक बना रहे हैं। अच्छा कलश भी है अभी, अच्छा ठीक है। मासी आ गई है, मामी भी आ गई है, और तीसरी मासी कहाँ है? ओहो ओह क्या हो गया, भैया भी आ गए हैं, और ये तो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, नहीं तैयार हो जाएगा। हाँ मैं सही हूं। क्या बनावा है ये, तैयार हो? और यहाँ पर भाभी भी आ गई है, हेलो बोल दो, आपको याद कर रहे थे लोग। हाँ हेलो गाइस आती काम में लगा दी। ये रही
एंट्री की, क्या बोलते हैं, शगुन की थाली है ना, और ये मोतीचूर के लड्डू सब आ गए हैं आप। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, आपको मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ, देखो। तो मैं रेडी हो गई हूँ और वो लोग आने वाले 30 मिनट्स में यहाँ पर, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और चलो देखते हैं उनका स्वागत। वैसे मैं स्वागत में नहीं खड़ी होगी क्योंकि लड़की नहीं खड़ी होती है स्वागत में, बट लेट्स सी, मैं ऊपर से देखूंगी उनको। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और यहाँ पर तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है, मतलब सब कुछ, सब लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट, तो बस वेट कर रहे हैं उनके आने का। पाल दीदी भी रेडी हो गई है और पाल दीदी लगाई उनको टीका, थाली भी रेडी है उनकी।